चंद्रकांती रमावती कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में पूर्वाई कला के संस्थापक राजीव केतन के द्वितीय पुण्य स्मृति में चित्रकला प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला एवं उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया, जिसके संबंध में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि राजीव केतन के खींचे फोटो का कोई सानी नहीं था। केतन सदा मुस्कुराते रहते थे, लेकिन गंभीर मुद्दों पर उनकी खींची फोटो समाज को आईना दिखाकर रख दी। उन्होंने कहा कि कला मंच से निकलती है और समाज तक पहुंचती है, इसलिए कलाकार सिर्फ परिवार का नहीं बल्कि समाज का होता है। डॉक्टर राजीव केतन भी परिवार के साथ ही समाज के सभी वर्गों के थे। वे कला के पुजारी थे, इसलिए सहजता उनके रोम रोम में है। राजीव केतन का शरीर भले साथ ना हो, लेकिन उनकी मुस्कुराहट सदा हमारे साथ रहेगी। वह पत्रकार, कलाकार व सरलता के संगम थे। इस अवसर पर जेपी विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व आचार्य प्रोफेसर पृथ्वीराज सिंह, महाविद्यालय के प्रबंधक विजय लक्ष्मी मिश्रा, डॉक्टर त्रिलोक रंजन, प्रोफेसर निशा जायसवाल, रेखा रानी शर्मा, प्रगति श्रीवास्तव, अनुपम सहाय, अनुपम श्रीवास्तव, विनोद गौर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वाई कला की सचिव ममता केतन एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री पुष्पदंत जैन जी लोक कला के संवर्धन में सतत प्रयत्नशील श्री हरप्रसाद सिंह जी, पूर्वाई कला के सचिव ममता केतन जी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के ओर से अनवर निस्वार्थ प्रयासों को समर्पित है। डॉक्टर राजीव केतन भैया के चित्र के सम्मुख पुष्पार्चन जी, मेरे बनाया पहली बार मूर्ति में भी है। मैं महाविद्यालय के प्रबंधक विजय लक्ष्मी एवं सरोज कुर्मा की डॉक्टर से मैं अनुरोध करता हूं कि आप आए और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए अनुरोध करूंगा विनोद गौर जी हमारे पास प्रबंध मंच का राम शंकर सिंह जी श्रीवास्तव जी,
यह विरासत नए हाथों में भी हस्तांतरित की जाए। डॉक्टर राजीव मित्तल ने इस सफल कलाओं पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा। कलाओं के प्रणेता हमेशा से मार और वह अपने परिवार की मंगल कामना के लिए विभिन्न अवसरों पर इस तरह की रेखा चित्र कृतियां बनाकर अपने परिवार के सुख। ममता श्रीवास्तव, सचिव पुरवाई कला गोरखपुर। आज पुरवाई कला गोरखपुर की तरफ से अपने संस्थापक डॉक्टर राजीव केतन जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनके द्वारा संकल्पित एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका नाम है मातृकला उत्सव। क्योंकि इन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से बना रखी थी, उसको हम लोगों ने उसमें रंग भरने का प्रयास किया है। आज की कार्यक्रम मुख्य रूप से आज प्रदर्शनी का उद्घाटन है माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, और उसके पश्चात एक संगोष्ठी का आयोजन है जिसमें जेबी जैन महाविद्यालय सहारनपुर के ललित कला विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राम शब्द जी आए हुए हैं, उनका वक्तव्य रहेगा, और श्री हरि प्रसाद सिंह जी का वक्तव्य रहेगा। जी, या इसमें खास बात यह है कि इसमें लगभग 44 महिला कलाकारों को की कला को प्रदर्शित किया गया है, और उनसे स्पेशली कह के लोक कला पर काम करवाया गया है। जो कलाएं घरों में रची बसी हैं, उन कलाओं को नए फलक पे लाने का प्रयास किया है हमने। देखिए, राजीव केतन एक अच्छे पत्रकार थे, और कोरोना ने उनको हम लोगों के बीच से छीन लिया था। उनकी याद में उनके पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम संगोष्ठी का हो रहा है कि पूर्वांचल में किस तरह से कला का वो है। स्वयं एक अच्छे कलाकार थे जिनका ये चित्र है, और मैं समझता हूँ कि कला के विधा के प्रति किस हद तक समर्पित थे कि उस कोरोना के काल में भी उनको हर जगह वही दिखता था। यहाँ अंकिशा जी हैं, पुष्पदन जी हैं, वो स्वयं संस्कार भारती से जुड़े हुए थे, और दैनिक जागरण के एक अच्छे छायाकार थे, गोरखपुर के अच्छे छायाकार थे, लोग उसी प्रकार से उनको मानते थे। तो उनके पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित होता है। उसी कार्यक्रम के निमित्त मैं भी दिल्ली से चला आया हूँ, और हम उनको अपने यादों में हमेशा रखना चाहते हैं, इस नाते इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। देखिए, कलाकार कभी जाता नहीं है, और मैं ये मान करके चलता हूँ अगर राजा कीर्तन चले गए होते तो न जाने कितने लोग चले जाते हैं, कोई याद नहीं करता है। उनकी कला ही उनको हम लोगों तक जीवित रखे हुए हैं। कला कभी भी मरती नहीं है। इस नाते मैं ये मान करके चलता हूँ कि राजीव केतन शरीर के साथ गए हैं, लेकिन हम लोगों के साथ मन के साथ जुटे हुए हैं, और वही मन हम लोगों को प्रेरित करता है कि उनके याद में करो। तो मैं मान करके चलता हूँ कला का क्षरण कभी नहीं होता है। हर व्यक्ति अपना काम पूरा करके चला जाता है, राजीव केतन भी अपना काम पूरा करके चले गए, हर कलाकार अपने काम को पूरा करता है और कर करके चला जाता है, लेकिन गवाह रहती है, हस्ताक्षर रहता है उसका किया हुआ वह काम। राजीव केतन का किया हुआ काम निश्चित रूप से कला के रूप में प्रदर्शित हमेशा होता रहेगा। लोग राजीव केतन को याद करते रहेंगे, अन्यथा कौन किसको याद रखता है। लेकिन कला क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, कवि क्या होता है, साहित्यकार क्या होता है, वो रहे शरीर के साथ या न रहे, लेकिन उसकी कविता, उसका साहित्य, उसकी कला हमेशा उसको जीवित रखती है।